सिंगरौली जिले के लिए एक अच्छी खबर है। एनसीएल अमलोरी के सीएसआर मस से पुलिस का 20 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहा है, जिसके बनने से पुलिस के साथ साथ सिंगरौली के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस कोरोना संकट से निजात पाने के लिए पुलिस ने भी एक और कदम बढ़ाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने बताया कि कोतवाली के पीछे पुराना अजाक थाने को पुलिस अस्पताल बनाने की मूर्त रूप दिया जा रहा है। फिलहाल 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जहां अगले सप्ताह तक कोविड केयर सेंटर बनाकर तैयार हो जाएगा। ये कोविड जब महामारी का दूसरा वेव चालू हुआ था, उस समय हम लोगों ने अपने पुलिस लाइन में जो बैरिक थी, उस बैरिक को हमने एक हॉस्पिटल का रूप दिया था और उसमें 12 बेड जो हैं हमने तैयार किए थे। और जो कोविड पॉजिटिव हमारे कर्मचारी हुए थे, उनको हमने वहाँ आइसोलेट भी किया था और अभी भी कुछ जो है बीमार हैं वो आइसोलेट होकर के वहाँ उपचार करा रहे हैं। इसके बाद जो ये थर्ड वेव्स की बात आ रही है कि थर्ड वेव्स जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा, और अभी सेकेंड वेव जो भी सिंगरौली में चल रहा है उसकी भी जो भयानकता है वो बहुत तीव्र है और बड़ा ही उसका विस्तार और फैलाव है। उसकी गंभीरता को ध्यान में रख करके हमने एक नई बिल्डिंग अपनी खोजी है, जो एजेके के लिए पहले उपयोग में आती थी कोतवाली वेड़न के पीछे। उसमें हम लगभग 20 बिस्तर का एक हॉस्पिटल, पुलिस हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।